वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हमारा 9th क्लास का चैप्टर वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरेसीमा चल रहा था, जिसका कि आज एंड पार्ट है। सो हम यहाँ से देखेंगे, प्रशांत फाउंड दैट ए लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन्ड। ओके स्टूडेंट, गेट इट? यस। देखो, प्रशांत फाउंड दैट ए लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन्ड। ऑर्फन्ड का अर्थ होता है अनाथ होना। तो प्रशांत ने देखा कि इस साइक्लोन के बाद असंख्य बच्चे अनाथ हो गए थे, क्योंकि उनके पेरेंट्स उसमें डेथ हो चुकी थी साइक्लोन के अंदर। सो ही ब्रॉट देम टुगेदर। प्रशांत उन सभी को एक साथ लेकर आया एंड पुट अप ए पॉलीथीन सीट शेल्टर फॉर देम, और पॉलीथीन की चादर बनाकर उन सब के लिए वहाँ पर बिछा दी, उनके लिए शरण स्थान बना दिया। वुमेन वर मोबिलाइज्ड टू लुक आफ्टर देम। मोबिलाइज करते बड़ा क्रियाशील होना, तो महिलाओं को इस काम के लिए क्रियाशील बनाया गया। व्हाइल द मैन सिक्योर्ड फूड एंड मटेरियल फॉर द शेल्टर्स, तो महिलाओं को बच्चों की देखभाल करने के लिए सक्रिय बनाया गया, जबकि जो पुरुष थे उनके लिए जिस खाद्य सामग्री, खाने का सामान की व्यवस्था करना या अन्य जरूरी जो सामग्री थी उसकी व्यवस्था करने के लिए लगाया गया। एज द वीक पास्ड, ऐसे ही कई सप्ताह बीत गए। प्रशांत वाज क्विक टू रिकॉग्नाइज दैट वुमेन एंड चिल्ड्रन वर सिंकिंग डीपर एंड डीपर इन द इंडियन ग्रीव। तो प्रशांत जो था उसने देखा कि वे इस बात को पहचान किया कि महिलाएं और बच्चे धीरे धीरे बहुत अधिक दुखी होते जा रहे हैं। ही परसुएड द वुमेन, परसुएड का अर्थ होता है तैयार करना। यहाँ पे ही परसुएड द वुमेन, उसने औरतों को तैयार किया टू स्टार्ट वर्किंग इन द फूड वर्क, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम स्टार्टेड बाय एन एनजीओ। तो उसने कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जो औरतें थी उनको सहमत कर लिया, जिसे एक एनजीओ ने काम शुरू किया था कि उसमें सभी बच्चों को भोजन की पूर्ति करवाने के लिए। He himself loved to play cricket. प्रशांत स्वयं, जो कि उसको क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता था, उसने ही organized cricket matches for children. इसलिए उसने अन्य बच्चों के लिए क्रिकेट मैच का आयोजन किया। प्रशांत engaged with the other volunteers in helping the widow and the children to pick up the broken pieces of their lives. प्रशांत जो कि खुद क्रिकेट खेलना बहुत पसंद करता था, इसलिए उसने बच्चों के लिए जैसे क्रिकेट के मैच का आयोजन किया। उसके बाद उसने, प्रशांत ने अन्य जो volunteers थे, स्वयं सेवक थे, उनके साथ लगकर विधवा और जो बच्चे थे उनकी सहायता कार्यक्रम में वो जुट गया, ताकि वे लोग अपने जीवन के बिखरे हुए टुकड़ों को फिर से संभाल सके। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वाज टू सेट अप इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑर्फन्स एंड विडोज। तो देखो, जो सरकार की सबसे प्रारंभिक योजना ये थी
विधवाओं के लिए संस्थाएं स्थापित करना और जो अनाथ बच्चे थे उनके लिए ऑर्फनेज खोलना। हाउएवर फिर भी दिस स्टेप वाज सक्सेसफुली रेजिस्टेड विरोध करना, लेकिन सरकार के इस कदम का बहुत विरोध किया गया। एज इट वाज फेल्ट, ऐसा महसूस किया दैट इन सच इंस्टीट्यूशंस, ऐसी संस्थाओं में जैसे अनाथालय, चिल्ड्रन वुड ग्रो अप विदाउट लव, बच्चे बिना प्यार के बड़े होंगे, उनसे कोई प्रेम करने वाला नहीं होगा, एंड विडो वुड सफर फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस, और जो विधवाएं हैं वो बेचारी कलंक और सूनेपन से ग्रस्त रहेंगी। प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड ऑर्फन्स शुड बी रेसलेटेड इन देयर ओन कम्युनिटी इटसेल्फ, क्योंकि प्रशांत ये चाहता था जो अनाथ थे उनको उन्हीं के समुदाय के अंदर, उन्हीं के लोगों के बीच में पुनर्वासित किया जाए, अर्थात उनका पालन पोषण उन्हीं के समाज के लोगों के बीच में किया जाए, न कि ऑर्फनेज में। पॉसिबली इन फ्यू पोस्टर्स फैमिलीज मेड अप ऑफ चाइल्डलेस विडोज एंड चिल्ड्रन विदाउट एडल्ट केयर, कि उसने देखा कि संभावित रूप से जो पोषक गृह में रखा जाए किसी व्यस्क की देखरेख में हो, जो संतानहीन विधवा तथा बच्चों के लिए बने हो, क्योंकि जिनके बच्चे नहीं हैं वो उनके दुख दर्द को अच्छे से समझ सकते हैं और उन बच्चों की केयर आसानी से कर सकते हैं, और बच्चे भी उनके अंदर अपने पेरेंट्स को देखेंगे। इट इज 6 मंथ आफ्टर द डेवस्टेशन ऑफ सुपर साइक्लोन, अब ये जो सुपर साइक्लोन जो आया था उसके द्वारा जो तबाही मचाई गई थी उसके लगभग 6 माह का समय बीत चुका था। दिस टाइम प्रशांत वाउंडेड स्प्रिट हैज हील्ड सिंपली बिकॉज ही हैड नो टाइम टू बोदर अबाउट हिज ओन पेन। इस बार देखो सामान्यतः जो ठीक हो गई थी क्योंकि उसने अपने कष्टों द्वारा परेशान होने का समय उसके पास अब नहीं था, पर प्रशांत भी परेशान था लेकिन उसके पास अपने दुखों के ऊपर ध्यान देने के लिए समय नहीं था। हिज हैंडसम यूथफुल फेस इज व्हाट द विडोज एंड ऑर्फन चिल्ड्रन ऑफ हिज विलेज सीक आउट मोस्ट इन देयर डार्केस्ट आवर्स ऑफ ग्रीफ, उसके प्रशांत के गांव की जो विधवाएं थी, जो अनाथ बच्चे थे, उनके भयानक दुख के समय उसके आकर्षक युवा चेहरे की ओर से सभी उसकी ओर लालसा भरी दृष्टि से देखते थे। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं एक 19 ईयर के बच्चे ने किस तरह से लीडर बनकर और सभी गांव वालों की सहायता की। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।